नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के यहां पर भारी मात्रा में नकद बरामद किए गए हैं। नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है, जिसे देखकर अधिकारी भी चकरा गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह नोटों का पहाड़ लगा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रकम 20 से 30 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। ऐसे में इसे गिनने के लिए बैंक से कर्मचारी और मशीनें मंगवाई गई हैं। ईडी की टीम अभी भी रांची में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये कैश आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से मिला है। दरअसल पूरा मामला 10,000 रुपए की रिश्वत मामले की जांच से शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सिलसिले में पिछले साल मई में ईडी ने चीफ इंजीनियर के यहाँ पर छापेमारी की थी, जब उन्होंने बयान दिया था कि रिश्वत की रकम मंत्री जी के यहाँ पर पहुंचाई जाती है। इसी के बाद आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था। फिर क्या, ईडी की जांच आगे बढ़ती गई और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी ने उनके सचिव संजीव लाल तक पहुंच गई। इसके बाद संजीव लाल और उनके नौकर के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खुद ईडी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिस नौकर की सैलरी 15,000 रुपए है, उसके घर नोटों का अंबार कैसे मिल सकता है। अब इस खबर के बाद सियासत शुरू हो गई है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वहीं झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने कल्पना सोरेन पर निशाना साधा है और कहा है कि अब कल्पना सोरेन ये कहना बंद कर देंगी कि हेमंत सोरेन का अपराध क्या है। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां से ईडी ने लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात करी थी, उसे इन रुपयों से सत्यापित कर दिया है। लगता है गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक मारकर लूटे हुए इन्हीं पैसों से कांग्रेस अपने शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की दुहाई देने वाली जेएमएम कांग्रेस जनता के सामने अब कौन सा नया बहाना बनाएगी। धीरज साहू से लेकर आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा से लेकर पूजा सिंघल तक के ठिकानों से जिस प्रकार काले धन बरामद हुए हैं, उससे पिछले 5 सालों के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई संगठित लूट जग जाहिर हो चुकी है। सोचिए कि झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 25 करोड़ नकद मिल सकता है, तो दूसरे और मंत्रियों ने गरीबों की गाड़ी कमाई और कितना लूट कर नौकर चाकरों तक के यही छुपा रखे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड एक बार फिर भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल ईडी सोर्सेस का कहना है कि काउंटिंग अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि जो कैश है वो काफी ज्यादा है। झारखंड में एक के बाद एक ऐसे भ्रष्टाचार के केसेस सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अब आगे क्या होगा, सियासत के साथ साथ क्या कार्रवाई भी तेज होगी, इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।